तो नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 के इस पॉडकास्ट में आज हम जानेंगे व्हाट इज़ वॉर और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली क्या है कि लीगल टर्म्स में जानेंगे। तो आप सभी से यही उम्मीद की जाती है कि जिस रूप में युद्ध को आज आप सुनते हैं या देखते हैं उस रूप में ना लेकर और उसके वैधानिक जो पहलू हैं वो क्या होते हैं उनको समझा जाना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रश्न ये उठता है कि युद्ध होता क्या है। दोस्तों बेसिकली क्या है ना, जब कोई देश दो या दो से अधिक उनके बीच में कोई आपसी मतभेद होते हैं या उनके बीच में कोई आपसी प्रॉब्लम्स होते हैं, एक देश अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है या अपनी विचारों को उसके ऊपर उस देश के ऊपर ढालना चाहता है, मगर वो उन विचारों को नहीं स्वीकारता है, तब युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और बेसिकली कहा जाए तो हथियारों या सशस्त्र बलों के द्वारा संघर्ष करके अपने विचार दूसरे राज्यों या देशों पर थोपना ही एक युद्ध है। ओपेनहाइम के मतानुसार अगर हम उनकी विचारों को देखें तो युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उनके सशस्त्र बलों के द्वारा संघर्ष है जिनका उद्देश्य एक दूसरे को पराजित करने एवं शांति की ऐसी शर्तों को थोपना है जिनकी विजयी इच्छा करें। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वार, युद्ध के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। इसमें सबसे अहम और सबसे पहला है राजनयिक संबंध। युद्ध के प्रारंभ होने पर युद्धरत राज्यों के बीच राजनयिक संबंध टूट जाते हैं। राजनयिक अभिकर्ता प्रेषक राज्यों द्वारा वापस बुला लिए जाते हैं जिनको हम एम्बेसडर बोलते हैं। लेकिन राजनयिक अभिकर्ता अपनी वापसी की संपूर्ण यात्रा के दौरान राजनयिक उन्मुक्तियों के हकदार बने रहते हैं। राजनयिक संबंध वेना अभिसमय 1961 के प्रावधान उन पर लागू होते हैं जिसको हम वियना कन्वेंशन 1961 भी कहते हैं। यह अभिसमय राजनयिक अभिकर्ता को देश छोड़ने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में प्रावधान करता है ताकि वे प्रेषक राज्य में सुरक्षित वापस पहुंच जाएं। राजनयिक अभिकर्ताओं के निवास को अन्य विदेशी दूत के संरक्षण में रखा जाता है। यदि अभिलेखागार को छोड़ दिया जाता है तो उसे सील कर दिया जाता है। नंबर दो, कौंसलीय संबंध। राजनयिक संबंधों की तरह कौंसलीय संबंध भी टूट जाते हैं। अभिलेखागार को कंसुलेट के कर्मचारी या अन्य राज्य के कौंसल के प्रभार में छोड़ दिया जाता है। कौंसलीय संबंध वेना कन्वेंशन 1963 का अनुच्छेद 31 प्रावधान करता है कि कौंसलीय परिसर साज सामान तथा संपत्ति अधिग्रहण से मुक्त होगा, तत्काल पर्याप्त तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति अदा करने का इनका अधिग्रहण किया जा सकता है। नंबर तीन, संधि। संधि पर युद्ध के प्रारंभ होने का प्रभाव एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि में सुसंस्थापित नहीं है। इस विषय पर न्यायविदों के विचारों में तथा राज्य अभ्यास में व्यापक भिन्नता है। कुछ न्यायविदों ने अतिवादी मत अपनाया है। युद्ध के आरंभ हो जाने के परिणाम स्वरूप संधियों के जारी रहने अथवा उसके समाप्त हो जाने के संबंध में समस्याओं के समाधान के उद्देश्य विधि आयोग ने 2000 में संपन्न अपने 92वें सत्र में यह माना कि कर्मचारी समूह के सुझावों के आधार पर सहस्त्र संघर्षों के संधियों पर प्रभाव विषय को संहिताकरण करने के लिए चुना
जिसे इसके कार्यों के दीर्घकालीन कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। नंबर 4, शत्रु संपत्ति, जिसको एनिमी प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। 18वीं सदी तक जब हम बात करें तो चाहे प्राइवेट संपत्ति हो, चाहे पब्लिक संपत्ति, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो एनिमी की या प्राइवेट, अगर युद्ध का समय होता था तो उस पर हक जो है जिस देश में उसकी संपत्ति है उसी का होता था। मगर 19वीं सदी आते आते इस तरह की जो प्रैक्टिस थी उसमें काफ़ी बदलाव हुए और राज्यों ने सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति में बदलाव किए। वो एक अलग विषय हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि शत्रु संपत्ति पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। 5वां है संविदा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। युद्धरत देशों के नागरिकों द्वारा की गई संविदा पर युद्ध के प्रारंभ होने का प्रभाव एक ऐसा मामला है जो प्राथमिक रूप से युद्धरत राज्यों के नियमों पर आधारित है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय विधि की उपेक्षा राष्ट्रीय विधि से संबंधित मामला है, लेकिन राज्यों के अभ्यास तथा न्यायविदों के मतों के आधार पर इस मामले पर नियम का विकास हुआ है। इस नियम को सुनिश्चित करने के लिए संविदा को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 है निष्पाद संविदा और नंबर 2 है निष्पादित संविदा। निष्पाद संविदाएँ वे संविदाएँ हैं जो युद्ध के प्रारंभ के पहले की जाती हैं, किंतु उनका पूर्णतः पालन होने से पहले युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ऐसी संविदाओं को युद्ध के प्रारंभ पर ही रद्द कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी संविदा युद्ध के प्रारंभ से ही पूर्णतः विखंडित की जाती है हो जाती है। ऐसी संविदा को 2 कारणों से रद्द किया जाता है। प्रथम, शत्रु राज्य के नागरिकों के साथ संबंध बनाए रखना लोक नीति के विरुद्ध है तथा यह युद्ध की स्थिति से असंगत है कि एक युद्धरत राज्य का निवासी शत्रु राज्य के निवासियों से संबंध रखे। नंबर 2 है निष्पादित संविदा। निष्पादित संविदा वे संविदा हैं जो युद्ध के प्रारंभ के पूर्व निष्पादित किए जाते हैं, किंतु एक पक्षकार द्वारा कुछ वादिता का पालन करना शेष रह जाता है। इस प्रकार यदि युद्ध प्रारंभ होने से पहले विदेशी शत्रु द्वारा माल बेचा जाता है और परिदत्त किया जाता है तथा युद्ध के प्रारंभ होने पर मूल्य बचा बकाया रह जाता है, तब संविदा को निष्पादित संविदा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6, शत्रु के राज्य क्षेत्रपद युद्धरत राज्य के नागरिक। युद्ध का प्रारंभ युद्धरत देशों के नागरिकों को प्रभावित करता है, जो युद्ध के प्रारंभ में समय शत्रु देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हों, अर्थात 2 देशों के बीच में युद्ध हो गया शुरू और उनका तदुपरांत किसी एक देश का नागरिक किसी अन्य देश में रह गया, तो ये उन्हीं के बारे में बताता है। युद्ध के प्रारंभ पर युद्धरत देश अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शत्रु नागरिकों पर नियंत्रण करने का अधिकार अर्जित कर लेते हैं, जिससे उन्हें शत्रु को कोई सहायता या लाभ देने से रोका जा सके। शत्रु देश के नागरिकों के विभिन्न वर्गों पर होने वाला प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। जब तक शत्रु के पारस्परिक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण न हो जाए, शत्रु देश के जो नागरिक सक्रिय या रिजर्व अधिकारी या रिजर्व सैनिक हों, उन पर युद्ध के प्रारंभ का प्रभाव यह है कि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सकता है तथा युद्धबंदी के रूप में रखा जा सकता है। तो ये था आपके लिए एक विस्तृत रूप में आखिर युद्ध क्या होता है, उसके प्रभाव देशों पर क्या होते हैं। उम्मीद है दोस्तों पॉसिबल लीगल जो उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। कोई भी डाउट है अगर आपका तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।